मानसून सीजन में बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अब करनाल जिले में डेंगू की भी दस्तक हो चुकी है। क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ सिविल सर्जन विनोद कमल मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि डेंगू को लेकर विभाग क्या कुछ कर रहा है और अभी क्या कुछ स्थिति जो है वो सामने आई है। जी डॉक्टर साहब, अभी डेंगू की क्या स्थिति है अपने करनाल जिले में? देखिए, करनाल जिले में अभी स्थिति हमारी बिल्कुल कंट्रोल में है और कोई ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक जो देखने में आया है कि अभी तक सिर्फ 29 जो डेंगू के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और हमारी जो 160 जो टीमें हैं, जिसमें जो 10 टीमें हमारी अर्बन एरिया में और 150 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़ाना लोगों को जागरूक कर रही हैं, लोगों के घरों में जाकर उनके जो भी किसी भी तरह के, जैसे मान लिया उनको समझा रही है कि आप घरों में जैसे टूटे फूटे, कई मेरे घरों में लोगों के गमले या कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े रहते हैं जिसमें कि अक्सर पानी इकट्ठा हो जाता है बरसाती मौसम में, तो उनको ये उसमें लार्वा जो पनपने का पूरा खतरा रहता है। तो ऐसे में लोगों को हमारी जो भी ये टीमें हैं जाके लोगों को समझाती हैं कि आप उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें, उनको समय समय पर खाली करते रहें ताकि लार्वा उसमें पैदा ना हो सके। तो अभी कितने केस हैं जो डेंगू के पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं? अभी तक हमारे ज़िले में 29 केस जो है ना डेंगू के पॉजिटिव आए हैं। क्या कुछ व्यवस्था है कि डेंगू पेशेंट आता है यहाँ जीएच में तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? डेंगू के जो मरीजों के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो नागरिक हॉस्पिटल है उसके अंदर हमारे जो PMO साहब के द्वारा एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है कि अगर किसी मरीज को वहाँ पे दाखिल रखने की ज़रूरत है तो उसको वहाँ पे दाखिल रखा जाएगा। और साथ ही हमारा जो ब्लड बैंक है वहाँ पे ये प्लेटलेट की सुविधा रहती है, अगर किसी मरीज को प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको वहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह से विभाग लगातार लार्वा की भी जांच कर रहा है, तमाम जिस तरह सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जहां पर वहां जांच की जा रही है, क्योंकि कुछ सामने आया कि किस सरकारी संस्थान में भी लार्वा की मौजूदगी है? नहीं, देखिए, बात सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान की नहीं है, बात यह है कि लार्वा कहीं भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी जैसे हमें मिलता है तो कई जगह, जैसे अब मैं कल की बात करूँ अगर, तो कल 41 जो जगह लार्वा पाया गया है जिनको कि नोटिस दिए गए हैं और अब तक लगभग 1659 लोगों को जिनके घरों में लार्वा पाया गया था उनको नोटिस दिए जा चुके हैं। तो जिस तरह से लार्वे की मौजूदगी, नहीं मानते कि आने वाले दिनों में डेंगू का जो प्रकोप है वो ज़्यादा हो सकता है, क्या कुछ निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए इस संबंध में? बिल्कुल, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर अनु, जो कि समय समय पे उनके टच में भी रहते हैं और उनको दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। और ऐसे में अगर लगता है तो वो खुद स्वयं भी जाके एरिया को विजिट करते हैं। तो बिल्कुल, देखिए, करनाल जिले में अब तक करीब 29 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं 1700 घर ऐसे हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मौजूद था और ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। ऐसे में आने वाले समय में लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से लार्वा की मौजूदगी है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेंगू पर ज़्यादा पैर पसार सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।